उफ, तुम भूत हो क्या? तुमने मुझे डरा दिया। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? चिल्लाओ नहीं, हाजी अंकल उठ जाएंगे। फिर चिल्लाओ नहीं, बच्चों की तरह पेश आ रही हो। तुम आ रहे हो बच्चों की तरह पेश। मैं बच्चों की तरह पेश आ रहा हूं। फिर चिल्ला रहे हो। तुम चिल्ला रही हो। हाजी अंकल जल्दी चलो। तुम सही हो, मुझे अफसोस है, मैं गलत थी, मुझे तुम्हें किस नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज भूल जाते हैं जो भी हुआ। भूल जाते हैं? हाँ, हमें भूलना ही होगा। तो चलो पहले की तरह हम दोस्त बन जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ आसान है? क्या तुम भूल सकती हो ये सब कुछ? करीम देखो, ये खुशबू महसूस करो तुम। तुम्हारी खुशबू इतनी जल्दी मुझ में आ गई। और देखो मेरे हाथ, तुम्हारे बालों की खुशबू अब तक आ रही है रिजा। लेकिन क्या हो, सुबह तक तो खुशबू चली जाएगी, है ना? क्या मैं भूल जाऊं आज तुमने मुझे किस नजर से देखा? देखो तुम वाकई में, तुम मुझ पर कैसे मुस्कुराती हो? मुझे कैसा लगा जब तुमने मुझे किस किया? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब कुछ बोलो भी ले जा। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे किस करते हुए? मत करो। तुमने महसूस किया या नहीं? मुझे महसूस नहीं हुआ। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं सच कह रही हूं, मुझे महसूस नहीं हुआ। ठीक है, तो जब तुम मेरे साथ होती हो तो कैसा महसूस करती हो? मतलब मेरे साथ कैसा लगता है, एंजॉय करती हो या नहीं? अगर मुझे अचानक कुछ हो जाता है तो क्या करोगी तुम? तो याद करोगी तुम मुझे? हाँ शायद करूंगी। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो आखिर? मैं बताती हूं, मैं मर्द से मोहब्बत करती हूं। मतलब मेरा मतलब, मैं कल तक मैट से मोहब्बत करती थी, सब कुछ इतना अचानक हो गया। मतलब एक दिन तुम एक दिन वो, ये सही नहीं है। मैं अभी इतनी जल्दी मोहब्बत में नहीं पड़ सकती। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूंगी तो ऐसे जाने नहीं दूंगी असिस्टेंट। मुझे नहीं पता, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या तुम्हें वक्त चाहिए? वक्त चाहिए तुम्हें? ठीक है, कल सुबह तक का वक्त देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ध्यान से सोचो तुम, उसके बाद फैसला करना। हम कल सुबह बात करेंगे। लेकिन अगर तुमने मुझसे दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं वो आदमी नहीं रहूंगा जो आज था।
मैं बहुत ही अजीब बात करने जा रही हूँ, कहूँ क्या? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? हंसना नहीं बिल्कुल, बता। ओलिविया में इंटरव्यू वाले दिन मैंने अपना हाथ चेक करवाया था। क्या पता चला? यानी मैं इतना ज्यादा यकीन तो नहीं करती हूँ, लेकिन बताओगी उसने क्या कहा? उसने कहा था कि एक ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम होना चाहते। क्या ढूंढ ली वो जगह? हंसता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यहां पे पहली दफा आई हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं यहीं से हूं। टूटता सितारा, जल्दी से विश करो। ठीक है, मैंने कर ली। क्या की? मैं नहीं बता सकती तुम। क्यों नहीं, मैंने भी की है। तुम अगर चाहो तो मैं बता सकता हूं। तुमने क्या मांगा? काश मैं आजाद होता जानसो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकूं। क्या? मैंने भी यही मांगा है शहजादे। इतनी तो इजाजत है ना? डार्लिंग, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात गुजरी है। मतलब तुम्हारा हाल देखो, घर की हालत देखकर उलझन हो रही है मुझे। ओ मेरी जान, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? ऐसा मत कहो, मुझे बहुत अफसोस है। क्या मैंने तुम्हें किसी बात से परेशान किया? अब ऐसा तो नहीं कहा मैंने। चलो मेरे पास आओ डार्लिंग, बताओ मुझे आखिर क्या हुआ। हाथ मत लगाओ। क्या? आओ, तुम्हारी बीवी ने आज मुझे शादी से निकाल दिया, क्या तुम जानते हो? तुम्हें निकाल दिया? तुम गई क्यों थी आखिर वहाँ? ओ अच्छा, मैं उस शादी में क्या कर रही थी? वहाँ हाई सोसाइटी के लोगों के दरमियान मैं क्या कर रही थी? डार्लिंग, मैं बता रही हूँ, उसने शादी में से गार्ड के हाथों धक्के देके मुझे बाहर निकलवा दिया था। और तुम कह रहे हो कि उस शादी में क्या कर रही थी? ये आदमी तो मुझे पागल कर देगा। इस वक्त तुम हद से ज्यादा गुस्से में हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। छोड़ दो, मैं खुद बैठ जाऊंगी। हद होती है, मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो तुम। मतलब देखो, मैं मजबूर हो जाता हूँ डार्लिंग। मेरे और सुरिया के बीच अब कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन कारोबारी जिंदगी और सोसाइटी के लिए तुम तो अच्छी तरह समझती हो ये सब बातें। हाँ बिल्कुल, मैं सब समझती हूँ। देखो,
तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने ज्यादातर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई है मतीन। बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुम ऐसा सोच भी बस कर दो, मुझसे ज्यादा झूठ मत बोलो। मैं सब जानती हूँ और ना ही मेरी जहानत की तौहीन करो। अगर पूरी दुनिया भी पलट जाए तब भी तुम तलाक नहीं दोगे, ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ और मैंने ये कबूल कर लिया है, शुक्र है। लेकिन अब तुम्हें मुझे कुछ देना ही होगा मतीन। तो क्या कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? ये घर, गाड़ी, जो तुम चाहती थी मैंने तुम्हें दिया। घर, पैसा, जेवर से ये हल नहीं होगा, मुझे कुछ और चाहिए, समझ गए तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आलिया को सरनेम दे दो। क्या तुम सारे मीडिया के सामने मेरा मजाक बनवाना चाहती हो? मतीन, निकलो यहां से, फौरन निकल जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ हमारी बेटी के फ्यूचर के लिए, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते हो और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और कह रहे हो मैगजीन मेरे बारे में बात करेगी। अब तुम जाओ यहाँ से। चलो, हो किसके घर से किसने निकाल रही हूँ? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। जल्दी जाओ, चलो। मैं भी तंग आ गया हूँ तुम दोनों से। वहाँ उसकी बातें सुनो, यहाँ तुम्हारे मसले। मसला तो तुम हो गए हो मेरे लिए। मतीन, तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम आलिया को अपना सरनेम दोगे या नहीं, बताओ मुझे। ये करना इतना आसान नहीं है। वाकई में? फिर तुम्हारे लिए बाहर का रास्ता खोल दिया है, जाओ। मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो। हमें इस मसले को कल आराम से बैठकर हल करना चाहिए। मतीन, मुझे लगता है तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ तुमसे कि जब तक तुम अपनी बेटी को सरनेम नहीं दोगे, यहाँ नहीं आओगे और ना ही तुम मुझे हाथ लगा सकते हो और ना ही मेरी बेटी को। तुम मजाक कर रही हो ना? अभी बताती हूँ तुम्हें। ये रहा तुम्हारा बैग, गुड बाय। अरे अरे जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक जैसी खुदगर्ज हो, मेरे ही दरवाजे पर आना पड़ेगा तुम दोनों को एक दिन, याद रखना मेरी बात। जानू में जाओ। चलो आओ। तो कहाँ पर? शहजादी, आज कोई सवाल मत पूछना। हाँ ठीक है मेरे कैप्टन। इधर आओ। हाय। चलो ध्यान से। मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं आज रात नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूं। आयशा, आयशा। करीम आ गया क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं यहां मत सो, कमरे में चलते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही इल्माज, मैं सिर्फ अपनी आंखों को आराम दे रही थी, कसम से मुझे नींद नहीं आ रही। चलो आयशा, चलो ना। मेरे बेटे को आने दें, फिर सो जाऊंगी मैं। करीम का मैसेज आया था, उसने कहा मेरी फिक्र मत करें, आज रात मैं नहीं आऊंगा और मैं बहुत खुश हूँ। क्या उसने मैसेज किया कि वो बहुत खुश है? क्या जासू उसके साथ है? जरूर वो उसके साथ ही होगी। तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्या हो रहा होगा? उम्मीद है कि जासू उसके साथ ही होगी। अल्लाह हम दोनों को हमेशा खुश रखना, आमीन। वाह, अब तो तुम्हारी नींद भी उड़ गई है ना बेगम? ये अल्माज सोते नहीं है, थोड़ी देर बातें करते हैं। हाँ, तुम जानते हो वो हाँ, कह रहा था ये बहुत मुश्किल काम है। मैं सोच रही थी कैसे मुमकिन हुआ, क्या तुम्हें मालूम है? मुझे कैसे पता होगा बेगम,
वैसे भी वो तुम्हारा बेटा है, बहादुर है, मेरी तरह बुजदिल नहीं है। हाँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? उस कातिल का पता लगाने के लिए तुम मेरे पीछे नहीं घूमा करते थे क्या? हाँ याद आया, उसे किसने गोली मारी थी? क्या उन्होंने आखिरी बार बताया था? अल्लाह यिलमास, हो सकता है मैं बता दूं अगर तुम मेरे लिए चाय ले आओ। जो हुक्म आपका, आखिरकार तुमने मुझे अपना गुलाम बना ही लिया ना। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। हाय मेरे प्यारे शोहर, मेरी जान। हाय इंशाल्लाह सब कुछ सही हो। ओह मेरा प्यारा बेटा। शब्बा खैर। शब्बा खैर बच्चों, क्या तुम इसे शादी से भगा कर लाए हो? हाँ ना। मैं साहिल, आप दोनों का नाम क्या है? मैं पांचवा उसूल नहीं भूला, हम आज रात मर्ट और जानसू नहीं है। अंकल कैसे हैं आप? मेरा नाम असली है। असली, और तुम तो करीम हो गए। बिल्कुल मैं करीम हूं। आज मेरे गरीब खाने पर दो मोहब्बत करने वाला है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग अंदर रह सकते हैं, चाय भी है, कॉफी भी है, सब कुछ है। यहाँ की लाइट सुबह तक ऑन ही रहेगी। चलो अब मैं चलता हूँ बच्चों। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या ये समंदर भी हमारा है? क्या ये आज की रात ये सब कुछ हमारा है? आज रात ये सब कुछ तुम्हारा है। मिस असली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई करीम। एक बात कहूं? हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई करीम। ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या तुम यहाँ पर रहती हो? नहीं, तो यहाँ पर रहना मेरी खुशकिस्मती है। मैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर रहती हूँ। हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे दो बेडरूम्स और एक लिविंग रूम है और वो हमारे लिए काफी है। मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ऐसी माँ के होते हुए मेरी कमर कभी भी नहीं झुक सकती। कोई बहन या भाई नहीं है तुम्हारा? मेरा एक भाई और एक बहन है। मेरा प्यारा भाई, वो भी अपनी जिंदगी गुजारने में मसरूफ है। हमारी एक दुकान है, वो वहां पर काम करता है, लेकिन वो दुकान हमारी नहीं है, वो किराए पर है। और मेरा भाई बहुत मेहनत करता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जो भी है वो खुश है, उसे अपना काम पसंद है। तुम्हारी बहन? मेरी बहन रूई जैसी है, बहुत प्यारी लड़की है। वो किसी से बहुत मोहब्बत करती है और वो लोग आजकल बहुत खुश हैं। वो उससे बहुत प्यार करती है, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। अच्छा, और बाबा? मेरे बाबा वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे बाबा थोड़े सख्त हैं, लेकिन अंदर से नर्म दिल हैं। बिल्कुल टर्किश फिल्मों के बाप की तरह हैं। वो बाइज्जत और बाइखलाक हैं। उनके लिए उनकी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा, ताकत, वो ऐसी चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। खासकर मुझे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
बहुत खूबसूरत फैमिली है तुम्हारी। बहुत फूलों का आशीर्वाद बहुत खुश है, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां आज की रात पहली दफा मैं तुम्हारे साथ आजाद हूं। सच में? चलो फिर समंदर का लुत्फ लेते हैं। कैसे? चलो। ये तो बहुत अच्छा है। अरे क्या कर रही हो? काश मैं तुम्हें छू सकता। तुम रुको, मैं अभी आता हूं। कहां जा रहे हो? रुको। अब अगर दोबारा तुमने मुझे करीम कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है नहीं बोल रही, लेकिन कहां जा रहे हो? रुको। रेडियो? क्या शहजादी मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? इसका मतलब है कि तुम आज अच्छे मूड में हो। शाबाश बेदिया, तुमने फिर से कर दिखाया।
एक सेकंड। यहां ठंड है। शुक्रिया। सूरज निकलने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ये रात भी खत्म होने वाली है। पहला उसूल, हम इस रात को पूरी तरह से याद रखेंगे। क्या कोई है जिसने तुम्हें आज की रात रुलाया? मैं आज की रात खुशगवार गुजारना चाहता हूं। मुझे देखो, पता नहीं किसने इन आंखों को खफा किया। नहीं जानता कि तुम्हें आज रात किसने इतना रुलाया, लेकिन देखो कितनी प्यारी रात हमें दे दी। तुम यहां हो, शुक्र करो इसका। बिल्कुल सही बात है। अगर आज उन्होंने ये सब कुछ ना कहा होता तो मैं कभी अपने घर से ना भागती। तो फिर तुम मुझसे एक वादा करोगी, कोई भी तुम्हें तकलीफ देगा तो मुझे जरूर बताओगी। मैं उसका कत्ल कर दूंगा। सच कह रहा हूं। अभी मैं यहां पर हूं, कोई परेशान नहीं कर सकता। अच्छा सेब, याद है ना? अब भूल जाओ सेब को। सुनो, मुझे सोने नहीं देना, ठीक है? मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ये रात खत्म हो। ठीक है, मैं सोई नहीं। मैंने कब कहा कि तुम सो रही हो? सुरैया मैडम, मतीन सर पहले ईशल के घर गए, उसके बाद होटल गए। शब बखैर। सड़कों पर आ गए मिस्टर मतीन, सड़कों पर। गुड मॉर्निंग शहजादी। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई क्या? हाँ,
काश मैं हर सुबह उठता और मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता। लेकिन उदास मत होना, हमने वादा किया था कल की रात कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं। अच्छा तो क्या हम दोबारा से मर्डर जानसू बन रहे हैं? रुको रुको, मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से देखना चाहता हूं, हर चीज सब कुछ। मुझे पहले कभी किसी ने इस तरह से नहीं देखा। शुक्रिया। सुबह बखैर बच्चों। सुबह खैर। क्या हुआ? खैरियत तो है, तुम दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। हम कभी मिले ही नहीं थे। बाबा मुझे आपकी मदद करने दें। गुड मॉर्निंग विद्या मैडम। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। और तुम जानते हो हमारा तो एक ही मिशन है। हमारा मिशन आइस क्वीन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें समझौते का हल मिला या नहीं? नहीं मिला। मैं कल रात गोकमैन की शादी में मिस सुरैया से मिला। वाकई? मैंने सोचा था कि मुझे कोई और औरत हैरान नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा मेरी किस्मत खराब रही। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि सुरैया मेरी सोच से भी ज्यादा नाजुक थी। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ सुरैया को? कुछ नहीं, मतलब बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। अच्छा खैर मैं अपने होटल पे हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, कॉफी पीते हैं। क्या हम नाश्ता कर सकते हैं? अच्छा आइडिया है, आ जाओ। बस फिर वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके आ जाओ। अच्छा सुनो, यहाँ से सीधे हाथ पे ले लेना। क्या तुम्हें अपना घर ठीक से याद है? बिल्कुल जाहिर है, वैसे भी मैं यहीं उतर जाऊंगी। ध्यान से कोई हमें देख ना ले। मैं अब ओलिवा में तुम्हें देखूंगा, पर पास से नहीं देख पाऊंगा। करीब होगी लेकिन मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा, और हर बार जब मैं तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदलती हूँ, हर बार मैं तुमसे बदतमीजी करती हूँ। मैं इसका बिल्कुल उलट चाहती हूँ। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही देखती रहती। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहती। शायद अब तुम्हें अंदाजा हुआ होगा। खुदा हाफिज। आ,
तुम इंतजार नहीं करो, मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी। क्या वाकई? अब ये कौन सी जगह है? मैं घर कैसे जाऊंगी यार, किसी से पूछना होगा। सुनिए भाई, ये कौन सी जगह है? जी क्या यहाँ करीब में कोई टैक्सी स्टैंड है? नीचे जाकर सीधे हाथ पर है। बहुत शुक्रिया। ये वक्त आ गया है एक लड़की के चक्कर में यहां सोना पड़ा। क्या फिर मुझसे दूर भाग रही हो? अब बताता हूं मैं तुम्हें। क्या हुआ भाई, क्या परेशानी? आपने गाड़ी क्यों रुकवाई? करीम, मुझे तुमसे सिर्फ एक जवाब चाहिए था रिचा। ये क्या कर रहे हो? बस से नीचे उतर के बात करते हैं। देखो रिचा, मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए अपने गुरूर को तोड़ दिया। मैंने वो काम किया जो करने का कभी सोचा भी नहीं था। तुम मुझे बताए बगैर आखिर कैसे भाग सकती हो रिचा? मैं तुम्हें कैसे बताती, क्या बताती, कैसे बता सकती हूँ मैं? मुझे नहीं मालूम। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यही चाहती थी ना मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ। ठीक है फिर छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना जैसा कल रात था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। खुश रहो हमेशा।